यार लक्ष्य, लास्ट ईयर प्रिडिक्शन कर रहे हैं आपका सिलेबस को बताओ, जिस वाले किस चैप्टर के टॉपिक सारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है? यानी गॉस थ्योरम थी और गॉस थ्योरम के बस दो एप्लीकेशन है, तीसरा एप्लीकेशन तो गॉस थ्योरम का इस बार रिमूव हो चुका है सीबीएसई से। अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक पे जाना चाहिए था, लेकिन मुझे इस बार दो डायरेक्शन कुछ अच्छे लग रहे हैं, तो उन दो डायरेक्शन को मैं पहले करा रहा हूँ आपको, देन मैं आप जस्ट के बाद में आपके सेकंड चैप्टर पर जाएंगे। मुझे लगता है कि इन दो डायरेक्शन में ये डायरेक्शन आना चाहिए जो मैं आपको करा रहा हूँ, मुझे कुछ इंपोर्टेंट लग रहा है, ठीक है? क्वेश्चन क्या है, डिवीजन में क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पैरेलल चार्ज प्लेट, ठीक है ना, और वहीं चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज सी पहले से, ठीक है ना, टू पॉजिटिव चार्ज पहले है? तो मेरे पास दो पैरेलल शीट्स हैं, ठीक है ना, और उनके कैसे हैं, एक शीट जे है, एक शीट जे है। अब इनके किस किस पॉइंट, किस पॉइंट पर, इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में डी समझना, ये है इन दोनों के बीच में यहाँ पर, और इन दोनों के बाहर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। बात समझ में आ गई? और दोनों शीट इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इस पर भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है ना, दोनों पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा है, और इसलिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे, किसको हम कैलकुलेट करेंगे, चार्ज को, ठीक है ना। चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है, ठीक है ना। देखो बेटा, मेरे पास दो चार्ज शीट है और दोनों ही कहती हूँ पॉजिटिव। मैं आपको डिजाइन का क्वेश्चन दे लेता हूँ, आप इस को कुछ भी अदा कर दो, मैं इस ले रहा हूँ इसकी चार्ज है, ठीक है। और दूसरा है सी, दूसरे की चार्ज सी ले रहे, ये पॉजिटिव चार्ज सी है, और यहाँ पर इन दोनों के इस रीजन में रीजन वन रीजन टू में और इस रीजन थ्री में आपसे पूछी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इन तीनों में। आपने तो ये शीट के लिए पढ़ा है, आपको समझ क्या है, दो शीट दी है और दो शीट कितनी है पैरेलल में, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है रीजन वन में, रीजन टू में और रीजन थ्री में, ये कुछ समझ, ठीक है। चलो अब उसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसे निकालना। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इस रीजन को देख लेता हूँ थोड़ा, और आप समझाइए कि रीजन क्या कर रहा हूँ, मुझे देखना ये किसको रीजन वन किसको रीजन टू बीच का है और ये थ्री है जो ऑपरेटर के बीच का, ठीक है। अब देखना बेटा, पहली चीज लेने पर हम क्या देखते हैं, मैं इसको सुखा रहा हूँ, इसको हाई कर रहा हूँ, तो आप क्या देख रहे हो बेटा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और इससे बाहर, और इससे बनवा इलेक्ट्रिक फील्ड ई पर, ठीक है ना, सब बनाते हैं, ठीक है ना, इसे सुबह रखते हूँ, ठीक है, इसको सुबह रखते हूँ, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ, क्या बनी ई पर, इधर भी बनी बाहर बना दी इवन इवन इवन। अब आते हैं दूसरी प्लेट, अब इस प्लेट से सर इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे, हाँ बनाएंगे, इससे क्या बना रहे हैं, यहाँ पर भी
और बेटा इस सीरीज इलेक्ट्रिक में बनेगी, यहां पर भी बनेगी, यहां भी बनेगी, और भी कैसे बनेगी V2 की फोर्स मान लिया मतलब ई बार किसी को मार नहीं करती हमसे ई टू ई टू और ई टू। अब इसको हम बताते हैं, अब देखो ई वन ई टू देखो थोड़ा समझ लिया देखो क्या देख रहे हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है और इलेक्ट्रिक कैसी क्वालिटी है, प्लस की क्वालिटी है, यानी कि यहाँ पर ई वन प्लस ई टू वन में तो में आ गया, यहाँ पर ई वन प्लस ई टू और यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ई वन माइनस ई टू समझ में आ गई ना। यदि अब तो समझ में आ गया आपको, दुकानदार आप पहले से छुपा दें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बना देनी है, फिर इसको छुपा देना है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बना देनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन रीजन, इन रीजन इन रीजन पहले रीजन इन रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इसके अंदर भी कितना होगा कि नेट इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, मतलब को ठीक है। चलिए अब ये कितना है, और आपको पता है एक सीट के लिए आप गॉस का नियम पढ़ चुके हो ऑलरेडी, एक सीट के लिए क्या होता है सिंगल सीट, और सिंगल सीट याद करो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, प्लस इसके लिए भी कितना सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन कितना आया सिग्मा वन और सिग्मा टू, वन अपॉन टू एप्सिलॉन और कॉमन ले लिया मैंने, वन अपॉन टू एप्सिलॉन और कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा पास सिग्मा वन आ गई, यानी कितना हुआ तीन है रियल वन में कितना हुआ, वन में कितना हुआ, वन में हो गया वन अपॉन टू सिग्मा एटर नॉट प्लस सिग्मा, ये कौन सा रियल इलेवन है, रियल वन है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन नेट ऑन रीजन वन। देन यदि क्वेश्चन पर कुछ भी कह दे आपसे, कह दे ही मेरे को क्या कह दे E1 सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर है, इस इसको बताना क्या दिया इक्वल टू सिग्मा, यानी कितना आया E नेट इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 क्या मैं कर देता हूं प्लस सिग्मा, और ये कितना आएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 का दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकली, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकली एक तो आपका आंसर जी हो सकता है कि अलग अलग दिए हैं, और यदि मान लो सेम भी हुई है तो कनेक्ट कर दिए। अब आपको क्वेश्चन में वही कह सकता है कि इस पर सिग्मा वन, इस पर सिग्मा वन कितना है सिग्मा है थ्री सिग्मा है, कितना हो गया सिग्मा प्लस थ्री सिग्मा फोर सिग्मा, फोर सिग्मा अपॉन काट दीजिए आंसर निकला है, यानी कोई भी क्वेश्चन कुछ भी दे रहे वो आपका आंसर निकला है, ठीक है ना। अब आप कहते हैं दूसरे की बात करते हैं इस रीजन सेकेंड रीजन, ठीक है ना। अब सेकंड ईयर में बात करें सेकंड ईयर में कितना होगा, सेकंड ईयर में बेटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो कितना होगा ई ने इवन डिफरेंस की जो पावरफुल होगा उसका डायरेक्शन ना आप क्या यूज करेंगे, और डिफरेंस कितना होगा आपको पता है इवन इक्वल टू तो सिग्मा अपॉन 2 अपॉन सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 अपॉन डिफरेंस सिग्मा 2 अपॉन कॉमन आ रहा बिल्कुल आ रहा है टू एफ एन कॉमन आ गया सिग्मा सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू खत्म, जिन्हें चला है खत्म बात, यदि वो कह दोनों बराबर है इन सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू इक्वल टू सिग्मा यदि कितना आ रहा जीरो हो जाएगा तो टी नेट इक्वल टू जीरो कहाँ पर भी यहाँ पर यह कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और लास्ट पॉइंट जब तक देख रहे हो E2 और इवन वैल्यू कितनी है सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट।
कॉमन कुछ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, वन अपॉन टू रखकर हम कॉमन आ रहा है, मतलब क्या सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू तो अंतर है पता है सिग्मा थ्री में अजीबा का मतलब कि दोनों वैल्यू बराबर है ठीक है, तो मैं क्या लिया है कि सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू इक्वल टू सिग्मा देन ये सिग्मा जा रहा है टू सिग्मा अपॉन टू रखा नॉट बट कर दिया ई नेट इक्वल टू सिग्मा आया ई नेट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्टली आप लगा दीजिए एन के अभी मैं डायरेक्टली की बात कर रहा हूं कि नेट की बात कर रहा हूं दोनों से बटन लगा दिए तो ये नेट क्या कर रहा है, ये नेट कितना होगा यहां पर जीरो आ गया और यहां पर भी नेट की बात कर रहे हैं तो यहां पे क्या लगा लेंगे एन के कौन में आ गया दोबारा समान में इसको को दोबारा चाहता हूं कि मैं खत्म करता हूं नेट इसी टाइप से तो उसका कॉल करता है ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं इसको हाइड कर लेते हैं और इससे बनने वाली रैकेट निकालते हैं ई1 आउटसाइड ई1 आउटसाइड और जी1 आउटसाइड। अब क्या करेंगे अब सब सेकंड वाले को हाइड कर लेंगे, इसको हाइड कर लिया इससे रैकेट को ई2 ई2 और ये मतलब भाई अब इन दोनों को हटा देते हैं, अब उसकी लट्टी देख लेते हैं, लट्टी क्या देखेंगे पहले वाले में दोनों सेम पैटर्न में ऐड होंगे और एक चीज हम बदल गए हैं सिग्मा अपॉन टू अपॉन नॉट सही है तो दोनों के लिए ऐड होंगे। जनरल फॉर्मूला ये बन गया आपका और यदि इसकी कंडीशन नहीं है तो कंडीशन लगा देने के लिए इसी तरह बी में जनरल फॉर्मूला आपका बन गया जे वाला सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अपॉन टू अपॉन नॉट और कंडीशन दी है कंडीशन दिखाने के काम ही अब यहाँ कुछ भी सकती है सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा वन बचता है टू सिग्मा यहाँ पर फाइव सिग्मा बचता है जो कि मैंने कुछ कर क्या फर्क पड़ता है। और थर्ड भी इसी तरह ई वन और ई टू सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड या वेक्टर क्वांटिटी दोनों ऐड हो जाएंगे और जनरल फॉर्मूला क्या बना जनरल फॉर्मूला बना आपका ऐड वन अपॉन टू ऐसा है नॉट सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू और यदि गिवन है आपके पास उनकी वैल्यू स्पेशल कंडीशन में तो कितना होगा सिग्मा वन ऐसा है नॉट एंसर ठीक है बेटा। अगर समझ में आ गया होगा समझ में आ गया तो शेयर लाइक जरूर करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है।